जिराफ सबसे बड़े गर्दन वाला जीव है, पर क्या आपने जिराफ की तरह ही किसी बड़े गर्दन वाले जानवर नहीं बल्कि कीड़े को देखा है? या आपने कभी एक चींटी जैसे दिखने वाले स्पाइडर को कभी देखा है? और क्या आप ये जानते हैं कि बटरफ्लाई कछुओं के आंसू को क्यों पीती है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये क्या है? ये बिल्कुल एक पत्थर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये एक पौधा है। जी हाँ, ये एक पौधे की प्रजाति है जिसका नाम लिथोप्स है। इसे लिविंग स्टोन भी कहा जाता है। ये देखने में बिल्कुल एक पत्थर की तरह लगता है, पर ये एक पौधा है। ये दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है और ये काफ़ी रेयर पौधा है ना कमल का? आपने कभी ना कभी तो क्रोकोडाइल को ज़रूर देखा होगा। उनका नॉर्मली कलर ग्रे या फिर ग्रीन होता है ना? पर क्रोकोडाइल की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसका कलर लिटरली वाइट होता है। इसे लोग वाइट एलिगेटर के नाम से भी जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम एलिगेटर मिसिसिस पाइंसिस है। ये सिर्फ दक्षिण पूर्व अमेरिका में दलदल में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये आम मगरमच्छ की तरह जंगलों में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि इनकी त्वचा और आंखें सनलाइट को नहीं झेल सकती, जिस वजह से इनकी संख्या काफ़ी कम है। आप कई तरह के स्पाइडर के बारे में जानते होंगे और उन्हें देखा भी होगा, पर क्या आपने चींटी जैसा देखने वाले स्पाइडर को कभी देखा है? अगर नहीं तो ये है एंट मिमिक जंपिंग स्पाइडर। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये चींटी की नकल करती है। ये दिखने में चींटी की तरह है पर ये चींटी नहीं है, ये एक चालाक मकड़ी है जिसने अपने आप को इस कदर विकसित किया है कि ये चींटी ही बन गई है। ये मिट्टी में, पत्तों के नीचे और लकड़ियों में सिलिकेन के छोटे छोटे घर बनाकर रहती है। इसे सबसे पहले W.S. मैकलियन ने साल 1839 में दुनिया के सामने लाया था। और ना सिर्फ दिखने में, यह अपने शिकार को फंसाने के लिए बिल्कुल चींटी की तरह ही व्यवहार करती है। जिराफ बड़े जानवरों के मामले में सबसे बड़ा गर्दन वाला जीव है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कीड़ों की दुनिया में किस कीड़े का गर्दन जिराफ जैसा हो सकता है? तो बीटल की एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम जिराफ वेविल्स है। इसकी गर्दन देखकर हैरान मत होइए, इसकी गर्दन जिराफ की ही तरह एकदम लंबी होती है। ये ज्यादातर जंगल में पेड़ों के पत्तों पर रहती है। ये अपने शानदार रंग और शरीर की बनावट के कारण जानी जाती है और आमतौर पर फीमेल की गर्दन मेल से छोटी होती है। और ये दुनिया की सबसे अजीब कीड़ों में से एक है। दुनिया भर में तितलियाँ अपने खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, पर अमेजॉन जंगल में पाई जाने वाली तितली कछुए के आंसू पीने के लिए जानी जाती है। मतलब कि अमेजॉन की तितलियाँ कछुओं के आंसू को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। इसकी वजह यह है कि कछुए के आंसुओं में सोडियम होता है और ये सोडियम हर एक जीव के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अमेजॉन जंगल में तितली को सोडियम उनके आहार से नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह अपने सोडियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कछुए के आंसू को पीती है, क्योंकि कछुए के आंसू में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है। और इस तरह का व्यवहार सिर्फ अमेजॉन के तितलियाँ और मधुमक्खियों में ही देखा गया है। आई होप कि आप सबको इन विचित्र क्रिएचर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।